लेट अस टॉक अबाउट स्फीयर्स। किसी स्फीयर को आप विजुलाइज कर सकते हैं, किसी बॉल के साथ रिजेंबल कर सकते हैं। आपको कोई बॉल है, दैट इज आवर स्फीयर। ओके, नाउ स्फीयर को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये टू डायमेंशन में अगर ड्रॉ कर रहा हूं तो एक सर्किल के जैसे ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। बट एक स्फीयर को और एक सर्किल में डिफरेंस ये है कि सर्किल इज ए टू डायमेंशनल फिगर, एक प्लेन पर ड्रॉ कर सकते हैं, बट स्फीयर इज ए थ्री डायमेंशनल फिगर। अगर कोई स्फीयर का रेडियस आर है और अगर मैं उसको चारों तरफ से स्ट्रिंग से लपेटना शुरू करूं, किसी एक रोप रस्सी से लपेटना शुरू करूं, तो जब वो रस्सी वो वापस पूरा कंप्लीट होगा और उसको मैं चार सर्किल के ऊपर रखता हूं, चार सर्किल बनाते हैं उसको उसके ऊपर पूरा लपेटते हैं, तो ये चार सर्किल के बराबर आता है। आई मीन टू से कि जितनी रोप यहां पे लगी है एक स्फीयर को लपेटने में, उतनी रोप को अगर हम यहां पे रखना शुरू करें तो वन बाय वन चार सर्किल कंप्लीट हो सकते हैं। तो दैट मींस कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, यहां से हम याद रख सकते हैं इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 4 times द एरिया ऑफ सर्किल, 4 times द एरिया ऑफ सर्किल। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, दैट इज 4 pi r² नाउ सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 pi r² यहां से आप इसको याद रखने के लिए सोच सकते हैं। उसमें कोई और सरफेस नहीं है, ये ओनली एंड ओनली कर्व सरफेस एरिया ही निकल सकता है स्फीयर का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं स्फीयर को 2 equal parts में कट कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा दिखाई देगा। ये 2 parts में डिवाइड हो गया, अगर इसको बीच में से कट कर दिया जाए तो ये जो एक पार्ट है इसको हम कहते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर, हेमी मतलब हाफ, है ना, हेमी को हाफ भी कहते हैं, दैट इज हाफ स्फीयर है, दैट इज हेमी स्फीयर। अब अगर इसमें देखूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 4 pi r² दैट इज 2 pi r² दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन इस हेमिस्फीयर में एक और एरिया आ जाता है, अगर हमको कंप्लीट करना है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। अब बेस क्या है यहां पे, बेस इसका होता है एक सर्कुलर बेस होता है विद रेडियस आर, तो क्या बन जाएगा, दैट इज 2 pi r² प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट विल बिकम टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस इज 3 pi r² हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं और सीएसएफ स्फीयर की बात कर रहे हैं 4 pi r². ओके, तो ये फॉर्मूलेज हैं, इन पर बेस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी। लेट अस टेक एग्जांपल, व्हाट इट सेज, द रेडियस ऑफ सर्फ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 cm टू 14 cm एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 cases। ओके, तो एक बलून दिया हुआ है हमें जिसका जो रेडियस है दैट इज 7 cm यहां दिया हुआ है, दैट इज आर रेडियस, टेक इट r1 इज इक्वल टू 7 cm दिया है। उस बलून में अगर हम एयर को पंप करते हैं तो इसका जो ये बलून इन्फ्लेट हो जाता है, फूल जाता है और उसका एरिया दैट r2 दैट विल बिकम इक्वल टू 14 cm, ये बलून फूल के 14 cm हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में इनके सरफेस एरिया को कंपेयर करना है, तो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज r1 इज इक्वल टू 7 cm, देन r2 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, दैट इज 14 cm। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस, दैट इज SA1, लेट इट से बी SA1, दैट इज 4 pi r² ओके, देन व्हाट विल द सरफेस एरिया इन सेकंड केस SA2, दैट इज 4 pi r² फाइन, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियोज ऑफ दिस, नाउ SA1 अपॉन SA2 दैट इज द रेशियो, इट विल बिकम 4 pi r² अपॉन 4 pi r² ओके, ये पूछा है ना, दैट विल बिकम r1
स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, और वी कैन से आर वन अपॉन आर टू होल स्क्वायर। तो आर वन कितना है यहां पे, दैट इज 7 और आर टू इज 14, दैट रेशियो इज इक्वल टू 1/4 और दैट इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1:4। Now let us see an example again. What is this? A hemispherical bowl is made up of steel which is 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. Okay. क्या दे रहा है? एक hemispherical bowl है हमारे पास, है ना, hemispherical bowl है जो जिसकी की thickness भी दिया हुआ है. Okay. इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर रेडियस हमको दिया हुआ है दिस 5 सेंटीमीटर, ठीक, और थिकनेस भी दी हुई है इसकी, यानी ये थिकनेस, दिस थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर दी हुई है हमको, ठीक है, थिकनेस दी हुई है हमको, है ना, ये यहां देख सकते हैं हम 0.25 सेंटीमीटर, ओके, और इनर रेडियस यहां पर देख सकते हैं हम, दैट इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये पूछ रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, ओके, व्हाट इज गिवन टू अस, दैट आर वन, व्हाट इज गिवन, दैट आर वन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, या आर इनर कह सकते हैं, आर आई लिख सकते हैं इसको हम, है ना। तो आर, तो हमें बताना क्या है, टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर, है ना, आउटर बाउल, ठीक है। तो क्या बोलना है हमको, दैट इज आर ओ, अगर हमें आर आई दिया हुआ है 5, तो आर ओ कितना हो जाएगा, दैट इज इनर थिकनेस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, दैट इज 5 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें बाहर का ये मिल गया रेडियस, देन वी कैन फाइंड आउट, एक हेमिस्फीयर है तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा ऑफ हेमिस्फीयर, क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ द, हाफ दैट ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर का हाफ, दैट इज ये आ जाएगा 2πr². आर कौन सा यूज करेंगे, हमें आउटर का बताना है, देन इज आर ओ, आउटर रेडियस यूज करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये यहां से कटेगा और इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो इट विल बिकम, दिस इज द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फीयर। Let us see one more example. What it says, a right circular cylinder is just encloses a sphere of radius r. Find the surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder and the ratio of area obtained in 1 and 2. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक right circular cylinder है और ये sphere है, ये बिल्कुल exactly enclose कर रहा है इसको, है ना, और अब हमें इसका surface area of sphere बताना है, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया बताना है और दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या समझना है, पहला पार्ट देखते हैं, हमें सिर्फ दिया है आर, इसका रेडियस है आर स्फीयर का, ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 4πr² फर्स्ट हो गया, दैट इज 4πr², है ना, 4πr² सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। दूसरे पार्ट में हमें क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2πr h, 2πr h। तो यहां इस सिलेंडर में हमको h दिया है क्या, हमको h नहीं दिया है, h क्या है, यहां से यहां तक का जो है, दैट इज h, ठीक है, ये h है, हमको दिया नहीं है, r केवल दिया हुआ है। तो h इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यहां पे देखिए, दिस ये एक रेडियस है
ये भी एक रेडियस है ना, क्योंकि जस्ट एनक्लोज है वो इस फिगर में, और ये भी रेडियस है, तो इस इज इक्वल टू एच, एच को हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू टू आर, है ना, ये दो आर, आर प्लस आर, या डायमीटर कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, दिस इज टू पाई आर इंटू टू आर, एच इज इक्वल टू टू आर है, तो एच की हमने टू आर रख दिया, दैट इट्स कम्स आउट टू बी फोर पाई आर स्क्वायर, नाउ कर्व सरफेस एरिया इज अगेन फोर पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और हमने थर्ड पार्ट में दिया इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर है, और ये भी फोर पाई आर स्क्वायर है, दैट इज रेशियो विल बी वन अपॉन वन और वन इज टू वन, ओके,